दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। आज किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ, मैं एक अपने मन का विचार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने मन की बात आप तक पहुँचा सकते हैं, और इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से लेकर अभी तक आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिले हैं। और इनफैक्ट अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 99.99% लोग हैं जो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, जिसका मुझे बहुत अंदर से खुशी है। लेकिन हाँ, कुछ एक दो ऐसे भी लोग हैं जो कि थोड़े नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं। मैं उनके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ और रिएक्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, उनका अपना सोचने का तरीका है, बाकी लोगों का अपना सोचने का तरीका है। वो मुझे फीडबैक वो लोग भी लोग देते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की साइड्स होती हैं। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बस उसी तरह से समझ जाइए। लेकिन उनका ये कहना है कि आप मिसलीड कर रहे हैं या फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ? देखिए, अपने चैनल पे मैंने एक डिस्क्लेमर आपको लगाया हुआ है। आप चाहे तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए, या तो आप मेरे चैनल के जो होम पेज है उस पर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं जो भी बातें बोलती हूँ वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस का रहता है। क्योंकि प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर से रिलेटेड, अभी जैसे मेरे बच्चे हैं दोनों ट्विंस, उनको क्या क्या मुझे परेशानी आ रही है, कैसे मैं उनका टेक केयर कर रही हूँ, या फिर प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या मेरे सिम्टम्स रहे हैं, चाहे वो जेंडर प्रिडिक्शन को लेके रहे हों या एनीथिंग जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर अप टू माई नॉलेज अगर मुझे जितना समझ में आता है मैं आपको शेयर करती हूँ। लेकिन मैंने आपको कभी भी ये बात नहीं बोली है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेशनलिस्ट हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आपको इसके अलावा भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। सबसे पहली और ज़रूरी बात तो मैं आपको यही बात बोलती हूँ, अपने मेरे सारे वीडियोस में ये डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर रहता है, तो प्लीज़ इस बात को आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए। क्योंकि देखिए, कोई इंसान इतना बेवकूफ़ होता नहीं है। सारे लोग अपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाते हैं, लेकिन एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस को अगर कोई शेयर करता है, दैट डजंट मीन कि मैं भी वही चीज़ें फॉलो कर लूँ, मेरे साथ भी वही चीज़ें सूट करेंगी, इसका ये मतलब नहीं होता है। तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है, उनके लिए मैं यही बात बोलूँगी कि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मे बी किसी के लिए सही हो, मे बी किसी के लिए सही नहीं हो, या फिर मैं अगर किसी डेटा की भी बात करती हूँ तो मैं स्पेसिफिक डेटा की बात करती हूँ जो कि अप टू माई नॉलेज है। अगर मे बी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, अगर मेरे से ज़्यादा किसी डॉक्टर की आप वीडियो देखोगे तो वो ज़्यादा इफ़िशेंटली आपको बात करेंगे। तो ये डिफरेंस तो पब्लिक को पता ही है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। लेकिन देखिए, होता क्या है कि हम सभी लोग डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर रहे हैं, बट आसपास फिर भी कुछ एक महिलाएं हैं, अगर सामने कोई लेडी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के दौर से गुजर चुकी है, तो कोई प्रेग्नेंट महिला उनसे उनकी एक्सपीरियंस सुने, या फिर उनके क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स रहे हैं, क्या चीज़ उनके साथ अच्छा या बुरा हुआ उनके प्रेगनेंसी में, ये सब अगर सुनना गलत है, या फिर इस तरह की वीडियोस मैं आपको बता रही हूँ गलत अगर लग रहा है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपने चैनल पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। तो होप आप मेरी बातों को कम्प्लीटली समझ गए होंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। देखिए, 0.01% लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो 99.99% जो है मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। चैनल काफ़ी अच्छा आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मेरे साथ प्यार बनाए रखिए, इसी तरह की उम्मीद आपसे करती हूँ। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आपको क्या चीज़ें देखनी है क्या चीज़ें नहीं देखनी आप बखूबी समझते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।